हेलो पीपल, वेलकम टू ग्रो अप इन यू लाइफ। तो चलिए आज बनाते हैं कुरकुरी भिंडी। इसके लिए मैंने 200 ग्राम भिंडी ली है और इसको अच्छे से धो लिया है और धो के पोंछ लिया है। और आप इसको चेक कर सकते हैं, अगर ऊपर से ये टूट जाए तो इसका मतलब ये सॉफ्ट है। अब इसको हमको क्या करना है, इसको जो है 4 पीसेस कर लीजिए और इसको हमको बीज निकाल देने हैं। बीज में जैसे ये दिख रहा है इसी तरीके से आपको इसको लंबे लंबे जो है काट लेना है और इसके सारे बीज निकाल लेने हैं। तो ये देखिए जो है सारी भिंडियों के जो है मैंने लंबा लंबा काट लिया है। अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, आप कोई भी लाल मिर्च ले सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच के करीब धनिया पाउडर, आधा चम्मच डाल देंगे गरम मसाला और अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच चाट मसाला और इसमें डालेंगे 3 चम्मच के करीब बेसन। और इसमें डालेंगे 1.5 चम्मच चावल का आटा, इसमें डालेंगे थोड़ा सा काला नमक और थोड़ा सा ही डालेंगे सफ़ेद नमक। तो नमक आप अपनी टेस्ट के अनुसार डालिए। अब हम इसमें डालेंगे 1 नींबू का रस, आप चाहे तो इसमें अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं और जो मन है और भी मसाले डाल सकते हैं, जैसे अगर किसी को अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है तो वो भी डाल सकता है, लेकिन मैंने स्किप कर दिया है। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, आप हाथ से मिलाइएगा तो ज़्यादा बेटर है क्योंकि अच्छे से जो है वो मिल जाते हैं। अब इसमें डाल दीजिए 1 चम्मच गर्म ऑयल और गैस का फ्लेम आपको तेज़ रखना है, थोड़ा थोड़ा इसको डाल दीजिए